कम अज कम
एक तिहाई, वन थर्ड कुरान करीम ने आखिरत पे बात की है, कयामत के ऊपर बात की है, और मसलन उसके मुख्तलिफ मराहिल को बयान किया है। पिछले सालों में जो हमने यहाँ पर मजालिस अर्ज की उसके अंदर इस अकीदे के ऊपर काफ़ी बयान किया कि बरज़ख किसे कहते हैं, मसलन सरात क्या है, जन्नत और जहन्नम के बारे में इजमाली अकीदा क्या है। ये सब का सब वही है कि मरने के बाद आपके पास एक ज़िंदगी है और उस जिंदगी को देखना है, ये हमें इजमाली तौर पर पता है। लेकिन इस दुनिया के बारे में क्या कहते हैं? इस दुनिया के बारे में ये कहेंगे कि ये दुनिया एक एतबार से बड़े धोखे की जगह है, बहुत धोखा है यहाँ। क्यों धोखा है? हर चीज इसकी छुपी हुई है, इसकी हर चीज छुपी हुई है। वैसे तो हम लोग कहते हैं गैब का इल्म, उस दुनिया के इल्म को हम कहते हैं गैब का इल्म। जब अवामी तौर पर गुफ्तगु होती है तो लोग कहते हैं कि भाई ये तो सामने है और वो जो दुनिया है, बरज़ख है, सरात है, महशर है, आखरत है, ये गैब का इल्म है। लेकिन अगर एक माना में देखें तो वहां पे जो पहुंच जाए उससे कुछ छुपा हुआ नहीं होता, यहाँ छुपा हुआ होता है। मिसाल अर्ज करूंगा, दुरूद भेजेगा मोहम्मद वाले मोहम्मद एक दफा अहले बैत अतहार अलैहिस्सलाम के एहतराम में वक्त के इमाम की नजर लुत्फ को हासिल करने के लिए मिलकर दुरूद भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद उस दुनिया में कोई चीज छुपी भी नहीं होती, इस दुनिया में हर चीज छुपी भी होती है। वो कैसे? उस दुनिया में मसलन बरज़ख में बयान करते हैं कि इंसान बरज़ख में जिंदगी गुजार रहा होगा। अब ये बरज़ख की जिंदगी कैसी है? बहुत सारी रिवायात के मुताबिक, पिछले सालों में अर्ज कर चुका आपकी खिदमत में, एक सफर की तरह है। एक जगह रुकते हैं, फिर दोबारा आगे जाते हैं, फिर कुछ लोग वहीं रुके रह जाते हैं, कुछ लोग किसी जगह के ऊपर बहुत लंबी मुद्दत रुकते हैं। क्यों रुकते हैं? अखलाक की वजह से। अगर किसी के अखलाक अच्छे होते हैं तो एक मंजिल से दूसरी मंजिल तेजी से जाता रहता है। किसी के अखलाक बुरे होते हैं तो वो मसलन इस मंजिल के अंदर बहुत लंबी देर रुक जाएगा। मसलन फर्ज कर लेते हैं, ऐसी मैं अर्ज कर रहा हूँ, मसलन एक मंजिल आई वालदैन के हुकूक की। अब अगर किसी ने वालदैन के हुकूक को दिया था, अंजाम दे दिया था, उसके लिए वो मंजिल आसान हो गई, वहां आएगा, रुकेगा, तेजी से चला जाएगा। लेकिन खुदा ना करे, नाऊज़ु बिल्लाह ताला, अगर उस शख्स ने वालदैन के हुकूक में कोताही की थी, अब मुमकिन है कई सौ साल, कई हजार साल वहीं पर रुकना होगा और वो तमाम मसाइल झेलने पड़ेंगे, फिर वहां से निकलेगा आगे। तो ये समझ में आता है कि बरज़ख की जिंदगी कुछ मनाजिल में है, मंजिलों मंजिलों के अंदर है। बहुत सारी किताबें इसके ऊपर लिखी गई हैं, आखिरत का सफर, बरज़ख का सफर, इस तरह करके बहुत नफीस किताबें हैं जो इंसान की रूह को मुतासर कर देती हैं। तो वहां पे मसलन अगर आप एक मंजिल पर हैं और अचानक आपको कोई नेमत मिली जो आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि भाई ये नेमत मेरे हिसाब में होगी, मुझे मिलने वाली होगी, अचानक मिली, तो मसलन आपको पता चलेगा कि फर्ज कर लेते हैं कि आपकी औलाद ने कोई नेक काम अंजाम दिया और उसका सवाब अपने बाप के लिए हिदिया किया, तो आपको फौरन पता चल जाएगा कि ये जो नेमत मिली है ये नेमत उस मसलन ईसार सवाब की है जो मेरे फर्जंद ने अंजाम दिया, या मसलन किसी अजनबी ने अंजाम दिया आपके लिए, आपको पता चल जाएगा। इसी तरीके से नाऊज़ु बिल्लाह ताला, खुदा सबको महफूज फरमाए, अगर नाऊज़ु बिल्लाह किसी ने दुनिया में कोई ऐसा गलत काम कर दिया है जिसकी वजह से इंसानों की जान खतरे में है, इंसानों का ईमान खतरे में है, इंसानों का दीन खतरे में है, कैसे? नाऊज़ु बिल्लाह ताला कोई एक गलत तकरीर कर दी जिससे लोगों को दीन में शक पड़ गया, अब वो बंदा तो मर गया, वो तकरीर बाकी है, किताब ऐसी लिख दी जिससे लोगों का दीन खतरे में पड़ गया, बंदा तो मर चुका है, किताब तो बाकी है। तो जिस तरह सदक़े जारिया में अच्छा काम बाकी रहता है, बरज़ख में उसका सवाब मिलता रहता है, पता चलता रहता है, नाऊज़ु बिल्लाह ताला कोई गलत काम कर गया तो वो भी एक मुश्किल उसके लिए बाकी रह जाती है, और फिर वो मसलन उसके नामे अमाल के अंदर वो आता रहता है। अब खुदा ना करे, नाऊज़ु बिल्लाह ताला, इंसान पनाह मांगे
खुदा ना करे अगर मेरा जैसा आदमी मसलन कोई किसी का पैसा लेके चला गया, जिसका पैसा मैं लेकर गया, मेरे पैसे ले जाने की वजह से उसकी औलाद को कोई मुश्किल उठानी पड़ गई। अब जब तक उसकी औलाद मुश्किल में रहेगी, मुझे सजा उठानी पड़ेगी, मुझे उसकी सजा उठानी पड़ेगी। और मुझे पता चलेगा कि ये जो अभी सजा आ रही है, ये इस वजह से आ रही है कि फना का पैसा तुम्हारे हाथ में रह गया था जो तुमने नहीं दिया था, तुम्हें दे देना चाहिए। तो वो दुनिया खुली हुई आश्कार दुनिया है, उसमें कोई छुपा हुआ नहीं है। इस दुनिया में क्या मुश्किल है? सब छुपा हुआ, सब छुपा हुआ। और छुपे होने की वजह से हमें धोखा हो रहा है कि नहीं है। मसलन मेरी उम्र इतनी हो गई, अब मैंने जब से बालिग हुआ हूं नाउज अल्लाह ताला कितने गुनाह किए होंगे नहीं मालूम, कोई हिसाब किताब नहीं है मेरे पास। जब वो गुनाह नजर आ रहे हैं क्या अभी? नहीं, देखने में आंखों से तो नजर नहीं आ रहे। तो क्या नहीं है फिर खत्म हो गया मामला? नहीं, छुपा हुआ है। अगर इस्तिग़फ़ार कोई अच्छी की होगी, इंशाअल्लाह कोई नेक काम ऐसा किया होगा जिससे गुनाह खत्म हो गए हों, बख्श दिए गए हों, तो ये एक चांस है। वरना क्या है? वरना ये सब कुछ मेरी रूह के ऊपर मौजूद है। अच्छा, वो जो नजर आता है क्या? नहीं, नजर भी नहीं आता। तो कौन सी दुनिया इस मामले में खतरनाक है? ये दुनिया खतरनाक है, यहां पता ही नहीं चलता। अब क्या होता है, खुदा किसी को बहुत तौफीक देता है तो वो इस्तिग़फ़ार कर ले, और इस्तिग़फ़ार भी मसलन उसने गुनाह कोई अमल अंजाम दिया नाउज़ु बिल्लाह, 5 साल उसके अंदर मजे लिए, 10 साल मजे लिए, एक दफा कह दिया अस्तग़फ़िरुल्लाह, मामला खत्म हो गया। नहीं, उसको सबको सही करना पड़ेगा, सारे मसले हल करने पड़ेंगे। मतलब मेरे जैसा बोलने वाला अगर बोलने के दौरान उसने किसी का दीन नाउज़ु बिल्लाह ताला खतरे में डाल दिया, पहले उसके जाके दीन सही करना पड़ेगा। वो जो मशहूर व मारूफ हिकायत है कि एक बंदा था, वो गरीब था, उसको समझ में नहीं आता था पैसा कहाँ से कमाऊं, तो शैतान ने उसके कान में डाला कि तुम एक दीन बनाओ अमीरों के लिए, सारे दीन आते हैं गरीबों के लिए, तुम दीन बनाओ अमीरों के लिए। उसने कहा मैं कैसा दीन बनाऊं? उसने कहा तुम दीन बनाओ कि दौलत कमाना बहुत अच्छा काम है, खर्च ना करना अच्छा है, अय्याशियां करना अच्छा है। उसने कहा इससे क्या होगा? कहने लगा सारे अमीर तुम्हारे मानने वाले हो जाएंगे, उनको मजे आएंगे, तुम उनको बोलना जो इतने पैसे दे उसकी नमाज खत्म, इतने पैसे दे उसका रोजा खत्म, इतना पैसा दे उसका हज खत्म, सारे अमीर तुम्हारे मानने वाले हो जाएंगे, फिर क्या होगा? तुम्हारे तो पैसे ही पैसा होगा। उसने कहा ठीक है, वो दीन बना देता है, दीन मशहूर हो जाता है। जाहिर है जब नफ्स परस्ती के ऊपर मबनी दीन बनेगा तो वो तो दीन मशहूर हो ही जाएगा। ये जो लोग कहते हैं ना दीन, हमारा असल दीन क्यों अट्रैक्ट नहीं करता ना, और वो जो मसलन वेस्टर्न थॉट्स हैं वो अट्रैक्ट कर लेते हैं लोगों की फिस्क व फुजूर, उसके ऊपर लोगों का दिल खुद ब खुद चला जाता है। क्यों चला जाता है? हवा व हवे से उसके पीछे, नफसानी ख्वाहिशात उसके पीछे हैं। हाँ, अगर एक बंदे को पता चल जाए कि खुदा की मोहब्बत में क्या है, फिर कभी नहीं जाएगा वहां पर। लेकिन पहले चख तो ले, पता तो चले, नजर तो आए उसे कुछ। अभी हम लोगों के साथ मुश्किल क्या है? हम में से अक्सर के साथ मुश्किल ये है, ना जन्नत देखिए ना जहन्नम देखिए, तो ना जन्नत की तलब है ना जहन्नम का खौफ है, क्यों देखी नहीं? भाई देखते तो बात थी ना। अब यहां पे एक सवाल है, आया खुदा ने दिखाने का वादा किया है या नहीं किया है? वादा किया उसने, दिखाऊंगा। अगर कोई यहां रह के मेहनत करे, यहीं रह के जन्नत देखेगा, यहीं रह के दौलत देख लेगा अपने अपने तरीकों से, कोई बिल्कुल खुल के देखेगा, कोई जरा ढका छुपा के देखेगा, कोई मिसाल में देखेगा, कोई ख्वाब में देखेगा, कोई जागते हुए देखेगा। तो खुदा ने ये नहीं कहा कि मैं बगैर दिखाई ले जाऊंगा तुम्हें। अब चूंकि ऐसा है तो अब क्या है, ये दुनिया छुपी हुई है, इस दुनिया में चूंकि सब कुछ छुपा हुआ है, लिहाजा इस दुनिया को कहते हैं ये मक्कार दुनिया है, ये धोखा देने वाली दुनिया है। दारुल गुरूर इस वजह से कहते हैं, धोखा देती है। मैं समझता हूं मैं आबिद जाहिद हो गया हूं क्योंकि मैंने 4 अमाल अंजाम दे दिए, मसलन मैं 10 साल से नमाज पढ़ रहा हूं, अब तो मामला सही हो गया होगा। अच्छा, वो जो पहले के गुनाह थे उसका क्या पता क्या कहां पहुंचे। एक और मुश्किल है जो मैं कई दफा आपकी खिदमत में इशारा अर्ज कर चुका हूं, ये बहुत बड़ी मुश्किल है। वो क्या है? इसका छुपा हुआ कोई सादा छुपा हुआ नहीं है। छुपा जो चीजें छुपी भी होती है ना, उसकी चंद मिसालें अर्ज कर सकते हैं ताकि ये समझ में आए, ये जो हम कह रहे हैं ना अंदर छुपा हुआ है, उसकी कैफियत क्या है, इसकी क्या मिसाल दे सकते हैं हम लोग। दुरूद भेजेगा मोहम्मद वाले मोहम्मद,
صل على محمد وآل محمد وعجل الكرم. ایک دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ مثلا میں نے نماز پڑھنی تھی, واجب تھی میرے اوپر, فجر کی نماز میرے اوپر واجب ہے, نعوذ باللہ تعالی شیطان نے دھوکہ دیا, میں نے نماز نہیں پڑھی, نعوذ باللہ تعالی. اچھا یہاں کوئی چیز چھپی بھی ہے؟ چھپی بھی نہیں ہے, صاف سی بات ہے, فجر کی نماز اتنے بجے سے اتنے بجے تک پڑھنی ہوتی ہے, نہیں پڑھی, نماز قضا ہو گئی, یہ چھپا ہوا نہیں ہے, یہ تو سامنے ہے, گناہ ہوا ہے اور سامنے ہے. اب ایک اور مسئلہ, ایک دفعہ کیا ہوا ہے, میں اٹھا روتے دھوتے اٹھا, آخری وقت میں ایک آنکھ کھول کے ایک آنکھ بند کر کے وضو کیا, ایک نماز پڑھ لی, سو گیا. اپنے آپ کو مطمئن کیا کر رہا ہوں, نماز تو پڑھ لی. ابھی تمہیں پتا ہے کہ تم نے جو پڑھا ہے یہ کیا ہے؟ نہیں. تو یہ چھپا ہوا ہے یا سامنے ہے؟ یہ چھپا ہوا ہے, اس کو نہیں پتا اس نے کیا کیا ہے, لیکن اپنے دل کو مطمئن کر لیتا ہے میں نماز پڑھ لی, ختم ہو گیا معاملہ, کیسی بھی پڑھی دل کو مطمئن کر رہا ہے. اب اس سے کوئی پوچھے بھائی یہ نماز لے کر تم رسول اللہ کے سامنے کھڑے ہو, تمہیں مانیں گے, وہ قبول کریں گے؟ اللہ کے نبی نے کسی کو نماز پڑھتے دیکھا, وہ جلدی جلدی نماز پڑھ رہا تھا, تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہ چور کتنا برا چور ہے جو نماز سے چوری کر رہا ہے. کہا یہ کیا کر رہا ہے؟ یہ کہنے فرمایا یہ نماز سے چوری کر رہا ہے, نماز کو نہیں دے رہا, یہ چور ہے یہ آدمی. ابھی ہماری زندگی میں کوئی نماز پڑھنے والے کو کہے تم چور ہو, مانے گا کوئی؟ یہ چھپا ہوا ہے. اور وہ جو اللہ کی حجتیں ہوتی ہیں ان کو پتا ہوتا ہے کہ بھائی یہ جو چھپا ہوا ہے وہ کیا چھپا ہوا ہے, تو وہ بتا دیتے ہیں کہ دیکھو یہ چھپا ہوا ہے. تو فرمایا مثلا ایک موقع پر ایک آدمی کو ایسی بے تکی نماز پڑھتے دیکھا, تو فرمایا اگر یہ اس طرح مرا تو میرے دین پہ نہیں ہے, میرے دین پہ نہیں ہے. اچھا وہ بندہ کیا سوچ رہا ہوگا, میں تو نماز پڑھتا ہوں, بلکہ وہ سوچتا ہوگا کہ میں مصلی ہوں. قرآن میں جو مصلی کا لقب ہے بہت بڑا لقب ہے, سید الشہداء نے مصلی کا لقب صحابی کو دیا, بہت بڑا لقب ہے. وہ تو یہ سوچتا ہوگا میں مصلی ہوں, جہاں پہ آتا ہوگا ذکر نماز پڑھنے والوں کو یہ ثواب ہے, سمجھتا ہوگا میرے لیے ہے. اللہ کے نبی فرمائے تو مصلی تو چھوڑ, تو میرے دین کے اندر بھی نہیں ہے تو نے جیسی نماز پڑھی. یہ چھپا ہوا ہے یا آشکار ہے؟ سب چھپا ہوا ہے. اچھا ایک آدمی نے نماز پڑھی ہے, اول وقت نماز پڑھی ہے, سب کچھ صحیح ہو گیا, تکبیر صحیح کہہ دی, قرآت بھی صحیح ہے, وضو بھی صحیح کیا, سوچا سمجھا کچھ نہیں ہے, کھڑا ہوا ہے, چار جملے بولے, رکوع سجدہ کیا ہے, ختم. یہ نماز صحیح ہو گئی, دیکھنے میں تو بہت صحیح ہے, اول وقت پڑھی ہے, وضو بھی صحیح کیا تھا, قرآت بھی صحیح ہے, بلکہ ممکن ہے قرآت اتنی اچھی ہو کہ پیچھے والے جو دیکھ رہے ہوں وہ کہیں بھائی ماشاءاللہ, کاش خدا ہمیں ایسا بنا دے. اندر کا نہیں پتا کہ بندے نے اللہ اکبر کہا تھا, آخر میں اللہ اکبر کہا تھا, بس یہ اس کو پتا ہے, باقی کچھ نہیں پتا اسے, باقی اس کو کچھ نہیں پتا اس نے کیا بولا, کیا کیا, کیوں کیا, بس ہو گئی نماز, معاملہ ختم ہو گیا. تین, اچھا یہ جو اول وقت پڑھ رہا ہے, قرآت بھی صحیح ہے, رکو سجدے بھی اس نے ظاہری طور پہ فٹ ٹیپل صحیح کیا ہے, سوچا سمجھا نہیں ہے, یہ نظر آ رہا ہے کیا؟ چھپا ہوا. اس کا دھوکہ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ بہت زبردست دھوکہ ہوگا, بہت اچھا دھوکہ ہوگا اس کا. اچھا اب ایک آدمی نے نماز پڑھی ہے, آنسو بہائے, اس نے جناب علی جب کہنا شروع کیا مثلا ایاک نعبد و ایاک نستعین, آنسو بہا رہا ہے, سارے کام کر رہا ہے, صرف ایک مصیبت ہے, کسی کو دکھانے کے لیے کر رہا ہے, لہجہ بھی صحیح ہے, قرآت بھی صحیح ہے, ظاہر متواضع ہے, آنسو بھی بہاتا ہے, اللہ کی راہ میں انابہ کر رہا ہے. اللہ انابہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے, گریہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے, سب کچھ ظاہری طور پہ صحیح ہے, صرف ایک مصیبت ہے, نیت خراب ہے, نیت خراب ہے. یہ کسی کو پتا چلتا ہے کیا؟ نہیں, یہ سب چل رہا ہوتا, یہ اس دنیا کا دھوکا ہے. اب ان کے پیچھے یہ جو میں نے ابھی آپ کی خدمت میں چھپا ہوا ہے چھپا ہوا ہے چھپا ہوا ہے, یہاں تک کے جو دھوکے ہیں نا, یہ بندے کو شاید کبھی سمجھ میں آ جائیں,
एक और चीज है, शायद बंदे को भी कभी समझ में ना आए, भाई अगर मैंने तवज्जो से नमाज नहीं पढ़ी, अल्हम्दुलिल्लाह कुल वल्ला सब कुछ पढ़ लिया, मेरा दिमाग कहीं और था, मुझे तो पता ना मेरा दिमाग कहीं और था, नाउज़ु बिल्लाह ताला रियाकारी करके नमाज पढ़ी, रोते हुए पढ़ी लेकिन रियाकारी करके पढ़ी, ये मुझे तो पता है मैं रियाकारी कर रहा हूं, दिखाने के लिए पढ़ रहा हूं। अब एक मिसाल और देता हूं, खुद बंदे को नहीं पता मैंने क्या किया, इतना छुपा हुआ मामला है, अंदर का मामला खुद बंदे को नहीं पता। एक मिसाल अर्ज करता हूं, दुरूद भेजेगा मोहम्मद वाले मोहम्मद उन वाक्यात में से जो आपको हमें पता है, जो हमने बचपन से सुने मजालिस में, आपने सुने होंगे, हमने भी कभी सुना दिए हों शायद, मसलन कोई आदमी इतने साल तक पहली सफ के अंदर नमाज पढ़ता था जमात में, एक दिन नहीं आया, कोई और उसकी जगह पे बैठ गया, उसने देखा उसको बड़ा बुरा लगा कि मैं 30 साल से यहाँ बैठता हूँ और एक दिन में अगर 2 मिनट देर से आया तो कोई और मेरी जगह पे बैठ गया, तो उसको बुरा लगा, कहा कुछ नहीं, उसने जाके नमाज पढ़ी, उसके बाद घर आया, घर आने के बाद उसके जहन में एक बात आई कि भाई ये जो मैंने 30 साल नमाज पढ़ी ये अल्लाह के लिए पढ़ी थी अपने लिए पढ़ी थी, ये कि मैं सोच रहा हूं कि इन लोगों को ये ख्याल होना चाहिए था कि 30 साल मैंने नमाज यहां बैठ के पढ़ी है, इसका मतलब है ये मैंने खुदा के लिए नहीं पढ़ी अपने लिए पढ़ी है। मशहूर मारूफ एक आयतुल्ला मसलन मशहद तशरीफ ले गए मस्जिद गौहर शाह, आपने देखा होगा मौला के रोजे के सामने मस्जिद बड़ा सा गुंबद है उसका, कहते हैं इस्लाम के अंदर गुंबद इतना बड़ा गुंबद एक मस्जिद का उसी का ही है, वहां पर उन्होंने नमाज पढ़ाना शुरू की, जमात करवाई, एक दिन दो दिन तीन दिन चंद दिन जमात करवाई, उसके बाद एक दिन पैगाम दिया भाई ये मैंने मगरिब की पढ़ा दी है, ईशा में नहीं पढ़ा रहा मैं जा रहा हूँ और अब कल से भी नहीं आऊँगा। लोगों ने कहा भाई ये क्या हुआ, मगरिब की पढ़ाई थी कम से कम ईशा की तो पढ़ाते, उन्होंने कहा नहीं मैं ईशा की नहीं पढ़ा रहा, वो कोई और पढ़ाए, मसलन मैं कल से आऊँगा भी नहीं। पूछा आगा हुआ क्या, कहा हुआ ये कि मैं मगरिब की नमाज के लिए खड़ा हो रहा था, मैं नियत बांधने वाला था, पीछे से कोई आने वाला था, उसने कहा या अल्लाह ताकि मैं अभी थोड़ा सा वक्त लगाऊं, मैं रुकू से सर ना उठाऊं, तो उसने कहा या अल्लाह, वो इतनी दूर से आवाज आई या अल्लाह, मेरे नफ्स ने कहा कि जमात बहुत बड़ी हो गई है, कहने के मैं समझ गया ये खुदा के लिए नहीं है, ये खुदा के लिए नहीं है। अच्छा ये जो इन लोगों को पता चल जाता है, आम आदमी को पता चल जाता है क्या? नहीं, आम आदमी के साथ क्या होता है, अंदर छुपा रह जाता है। अब वो जो अंदर छुपा रहता है वो क्या करता है, वो इसके साथ खेलता है, वो इसके साथ खेल रहा होता है। इंसान के पीछे जो गलतियां होती हैं वो दो जगह से बहुत ज्यादा आ सकती हैं, एक तो ये कि मिसाल के तौर पर वो अपनी अकल से कोई गलत कैलकुलेशन कर ले, अकल से गलत कैलकुलेशन कर ले, दिमाग में दीन सही नहीं आया, गलत दीन लेके चला, गलती कर रहा है, एक तो ये होती है। दूसरी क्या होती है, दूसरी ये अंदर वाला इंसान, इसकी गलतियां अंदर जमा हो रही हैं, जमा हो रही हैं, जमा हो रही हैं, इसको भी नहीं पता कितनी जमा हो गई है, इतनी इसके अंदर बारीकी नहीं थी कि इस बात को समझ सकता होता कि भाई ये मेरे साथ क्या हो रहा है, वो इतनी जमा हो गई है। अब वो जो अंदर वाला गुमराह इंसान है उसने अपने आप को छुपा लिया है, इतना जबरदस्त छुपाया है कि खुद बंदे को नहीं पता कि मेरे अंदर शैतान बैठा हुआ है, उसको नहीं पता। अब वो अंदर से खेलता है, इसको पता भी नहीं चलता। एक मिसाल देता हूं आपकी खिदमत में, दुरूद भेजेगा मोहम्मद वाले मोहम्मद मोहम्मद। थोड़ी सी सख्त मिसाल है, थोड़ी सी सख्त है, यानी समझने में सख्त नहीं है, कहने में सख्त है। वो क्या है, फर्ज करें मैं एक क्लास में बैठा हुआ हूं, मैं एक क्लास में बैठा हुआ हूं, उस्ताद ने जो भी पढ़ाने वाला है, जो भी बोलने वाला है, मुमकिन है कि मजलिस हो, जो भी मजलिस पढ़ने वाला है, उन्होंने एक बात कही है, एक वाक्या सुनाना शुरू किया। अच्छा ये वाक्या मुझे पहले से पता है, उन्होंने एक बात कहना शुरू की, कोई रिवायत कोई वाक्या, वो मुझे पहले से पता है। अब मैं क्या करता हूं, मैं सर हिला हिला के उसको बताता हूं ये मुझे पता है,
नहीं, ये खुदा के लिए हिल रहा है, किसके लिए हिल रहा है? ये अपनी शोबाजी के लिए हिल रहा है। जबान से कुछ बोला है क्या? नहीं, सिर्फ सारे लाया है। ये तौहीद है। किसके लिए? इतना बारीकी में इंसान फंसता है। मसलन ये तो मैंने उधर रख के दिया ना, अपने ऊपर रखता हूं। मसलन मैं आपके सामने एक पॉइंट अर्ज करना चाह रहा हूं। अच्छा, मुझे पता है ये पॉइंट बहुत जबरदस्त है। अब मैं क्या करूंगा, आपको दिखाऊंगा कि मैं बहुत आलिम आदमी हूं और बहुत मैंने मेहनत करके ये पॉइंट निकाला है। कोई मेहनत नहीं की होगी, आज दोपहर एक किताब पढ़ रहा हूँ, उसमें निकल आया था। मैंने निकाला भी नहीं था, किसी और का लिखा हुआ था। मैं बताऊंगा कि मैंने किसी और का पढ़ा है, दिखाऊंगा ऐसा जैसे मेरा पॉइंट है, मैंने बनाया है। अच्छा, ये खुदा है, ये खुदा के लिए किया है। हम लोग इस मुश्किल में फंसे हुए, ये जो अंदर का शैतान है ना, वो इतना बारीक, इतना होशियार और मक्कार शैतान है जो अंदर बैठता है, और उसके बाद फिर वो अंदर बैठ के खेलता है, और सामने वाले बंदे को पता भी नहीं चल पाता कि ये अंदर से खेल क्या रहा है मेरे साथ, पता भी नहीं चलता। 20 साल 25 साल गुजर गए, फिर अगर तौफीक इलाही शामिल हाल हुई, उसे पता चलेगा कि भाई ये 25 साल मैंने शिर्क में गुजारे हैं, ये तौहीद नहीं था, शिर्क था ये। वो भी अगर खुदा ने बड़ी कोई सआदत दी तो इसको ये पता चलेगा। ये भी इस दुनिया की छुपी हुई चीज है। अब ये जो आखिरी पॉइंट है ना, इसको थोड़ा सा एलैबोरेट करता हूं, क्योंकि मुझे लग रहा है कि ये बहुत खतरनाक मामला है। दुरूद भेजेगा मोहम्मद वाले मोहम्मद का, अच्छा। बाकी धोखों को पकड़ना थोड़ा आसान है, इंसान थोड़ी सी मेहनत करे, बाकी धोखे पकड़ में आते हैं, इंसान कहीं ना कहीं पकड़ लेगा। ये जो अंदर छुपा हुआ इंसान है, इसको पकड़ना कैसा है? इसको पकड़ना बहुत मुश्किल काम है, इसको पकड़ना बहुत मुश्किल काम है। क्यों? ये मेरा ही नफ्स है, और इसने अपने आप को, जिसको हम लोग इस्तेला में कहते हैं ना, कैमोफ्लाज किया है, ऐसा छुपाया है कि ऊपर से नजर ना आए। आपने देखा होगा ये आर्मी वगैरह की जो वर्दी होती है, उसमें खाकी रंग होता है, ब्लैक सा कलर होता है, ऐसा लगता है जैसे झाड़ी की तरह है। इसको कैमोफ्लाज कहते हैं, कि ऊपर से देखो समझ में नहीं आएगा। जानवर भी ऐसे होते हैं, मिट्टी के अंदर ऐसे बैठे रहेंगे, नजर ही नहीं आता कि है कहां पर। ये जो अंदर वाला इंसान है, ये परफेक्ट कैमोफ्लाज करता है, अपने आप को लेके बैठ जाता है, समझ में भी नहीं आता है कहां पर, और फिर कैसे हरकत भी ऐसी करेगा कि आप ना समझ सको कि हुआ क्या। ये देखा है आपने कुछ, ये जो डॉक्यूमेंट्रीज वगैरह आती हैं जानवरों की, बाज जानवर दूसरे जानवरों का शिकार करने के लिए पत्तों में बैठे होते हैं, मसलन मिट्टी के अंदर होंगे, पानी के अंदर होंगे, और ऐसा छुप के बैठेंगे, समझ में ही नहीं आएगा कि वो है कहां पर। एंड टाइम पे मारेगा, फिर गायब हो जाएगा, फिर दोबारा छुप गया। ये अंदर वाला शैतान ये हरकत करता है, छुप के बैठा रहेगा और ये इंतजार करेगा किसी ऐसे मौके का जब इंसान की जिंदगी और मौत का मामला हो ईमान के हिसाब से। अब ये जो बंदा था, अगर ये होशियार होता तो ये अपने अंदर वाले शैतान को पहले से पकड़े बैठा होता कि मैं इसको मजबूत नहीं होने दूंगा। अभी मैं इसको अर्ज करने की कोशिश करूंगा कि ये तरबियत के मराहिल बयान करते करते हम इस मरहले पर आए हैं, और ये संगीन मरहला है, ये बहुत सख्त मरहला है जो मुझे समझ में आता है तालिबे इल्म होने के नाते। इसके बाद भी होंगे मराहिल, मेरी तालिबे इल्म में मुझे यहां तक समझ में आता है, इसको पकड़ना बहुत सख्त काम है। अच्छा, अब सवाल ये है कि ये बाज लोगों के अंदर बहुत मजबूत हो जाता है, बाज लोगों के अंदर कमजोर होता है। मसलन हरबा इसका कैसे होता है, एक मिसाल अर्ज करता हूं। आपने यकीनन सुनी होगी, बहुत सारी चीजें हम सुनी सुनाई सुनाते हैं दोबारा दोबारा, ताकि मौजू से मुर्तबित हो जाए किसी तरीके से। दुरूद भेजेगा मोहम्मद वाले मोहम्मद का, सिर्फ वो लोग जो इल्म अखलाक में, यानी अखलाकी लिहाज से अपने नफ्स के ऊपर बहुत मेहनत करते हैं, वो इसके वसवसे को, इसकी आवाज को पकड़ लेते हैं कि नहीं ये मेरी आवाज नहीं है, ये कहीं और से आई है। जो इस पे मेहनत नहीं करते, वो इसकी आवाज को नहीं समझ पाते,
कि ये मेरी है या किसी और की है, तो वो समझते हैं रूटीन है। रूटीन नहीं होता, मामला खराब होता है, और वो अंदर से बोल रहा होता है। मसलन बयान करते हैं शेख आयतुल्लाह शेख मुर्तजा अंसारी, बड़ा मकाम उनका, आप नजफ तशरीफ ले जाते हैं तो वो जो हुजरे बने हुए उनके अंदर उनकी कब्र मुताहर है, तो उनका बयान करते हैं कि भाई वो मर्जे तकलीद थे, उनके पास अमवाल बहुत ज़्यादा थे, खुम्स का पैसा होता था, तालिब इल्मों में देने का पैसा होता था, लेकिन वो खुद अपनी ज़िंदगी उसके ऊपर नहीं गुजारते थे, वो खुद कमाई होती थी उनकी, एक ज़रात थी, कोई ज़मीन थी, वहाँ से कुछ कमाई आती थी उनके शहर से, तो कभी उनके शहर से पैसा नहीं आया, तो घर वाले जो थे वो फाके पे आ गए, खाना नहीं बना उनके घर पे, तो एक रात खाना नहीं बना मसलन, दूसरी रात जब ऐसा हुआ बच्चे फिर भूखे होने वाले थे, तो उनकी जौजा ने कहा कि भाई अल्लाह का वास्ता हम पर रहम करो, तुम्हारे पास इतना पैसा रखा हुआ है, इतने पैसों में तो पूरा शहर पल जाता है, इसमें हमें तो कुछ खिला दो, हम भूखे मर रहे हैं। तो उन्होंने कहा नहीं भाई ये पैसा हमारा नहीं है, ये तो खुम्स का पैसा है और ये तो तालिब इल्मों का पैसा है। तो उन्होंने कहा कि अगर ये तालिब इल्मों का है, तुम तो उन तालिब इल्मों के उस्ताद हो, जब तालिब इल्मों का है तो तुम्हारा क्यों नहीं है, तुम इसमें से उठाओ। तो उन्होंने कहा नहीं ये तालिब इल्मों के लिए आया था, ये उस्ताद के लिए नहीं आया था, तो मैं इसमें से नहीं उठा सकता। उन्होंने कहा अच्छा ऐसा करो खुम्स में से कुछ ले लो ताकि हमारी ज़िंदगी गुजरे, हमें खाना तो खिलाओ। उन्होंने कहा नहीं मैं नहीं ले सकता। उन्होंने कहा अच्छा ऐसा करो इसमें से भी मत उठाओ, तुम्हारे अपने पैसे आने वाले हैं ना। उन्होंने कहा आने वाले हैं। क्या ऐसा करो खुम्स में से कर्ज ले लो, खुम्स में से एक रात के खाने का कर्ज ले लो ताकि हम लोग खाना खा लें, फिर तुम्हारे जब पैसे आए तो तुम दे देना इसमें से। उन्होंने कहा ये बात ठीक है मैं कर्ज ले लेता हूँ। वो कर्ज लिया उन्होंने, उसमें से थोड़ा सा निकाला इस नियत से, बाहर जा रहे थे फिर वापस आ गए, कहा मैं नहीं कर सकता, ये मैं नहीं कर सकता, बगैर खाए सो जाओ ये बेहतर है। उन्होंने कहा आप क्यों नहीं कर सकते, कहा मैं सोच रहा हूँ अगर आज रात मर गया तो इमाम का मखरूज मरूंगा, मैं नहीं कर सकता, ये मैं नहीं करूँगा। अगर कोई अपने ऊपर इतनी गिरफ्त रखे, एक एक आवाज को सोचे ये आवाज क्यों आई थी, कहां से आई ये आवाज, मैंने ऐसा ये सोचा क्यों, फिर वो इस मुसीबत से बच सकता है। अगर कोई इस तरह सोचे, अच्छा हम लोग ऐसे नहीं सोचते, मसलन मैं कहीं बैठा हूं कोई तारीफ कर रहा है मेरी, अच्छा मुझे अच्छी लग रही है मैं भी सुन रहा हूं, उसको ये बोलूंगा नहीं कि भाई मुंह पे तारीफ करना किसी को कत्ल करने के बराबर होता है, मत करो ये काम, क्यों मेरी जिंदगी के पीछे पड़े हुए हो, नहीं बोलूंगा सुनूंगा। बल्कि बदतर आजमाने के लिए अर्ज कर रहा हूं आपसे, मसलन आपने आपके इलाके में कोई अच्छा काम हुआ, कोई बंदा समझ रहा है आपने किया, अब वो कहेगा ये काम बहुत अच्छा हुआ, आपने बड़ा अच्छा काम किया है, आपने ये बहुत अच्छा कर दिया है, अच्छा आपको पता है कि मैंने नहीं किया है, इतनी जरूरत दिखाएंगे कहेंगे नहीं भाई ये मेरा नहीं किसी और का है। हम लोगों के साथ होता है, मसलन हम कहीं पे गए वो कहेगा मौलाना आपने एक दफा एक रिवायत सुनाई थी ना उसने मेरे पर बड़ा अच्छा असर डाला था, कौन सी रिवायत, अब वो एक रिवायत सुनाता है जो हमने नहीं सुनाई थी। कितने लोग होंगे जो ये कहेंगे नहीं भाई मैंने नहीं सुनाई, ये अच्छा काम किसी और का होगा, तो मुफ्ते में तारीफ आ रही है लेने में क्या जा रहा है, चलिए खुदा है तो खुदा के लिए किया। जब इतनी बारीकी में आप जाएं, कम से कम इतनी बारीकी में, तब आपको पता चलेगा खुदा के लिए क्या किया हमने, किया क्या है। और ये भी बहुत अंदर की बात हो गई अभी भी, अब इसके अंदर भी होगा कुछ ना कुछ, इससे भी आगे होगा हमें अभी पता नहीं है, अभी इतना तक सोचते हैं, इतना तक सोचें, अपने आप को पकड़ने की कोशिश करें, एक एक बात के पीछे जाएं, अपने अंदर से पूछें ये मेरे अंदर ये ख्याल क्यों आया, इसका मतलब है अंदर वाला इंसान अभी ताबेदार अल्लाह का बंदा नहीं बना है, अभी उसकी ख्वाहिश कुछ और है। अब इसको किसी और तरह अर्ज करने की कोशिश करता हूं, दुरूद भेजेगा मोहम्मद वाले मोहम्मद पे, अच्छा ये जो कुरान करीम में खुदा हमसे कहता है ये कहो, मसलन सूरह फातिहा में परवरदिगार हमसे कहता है कि कहो इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, ए अल्लाह हम तेरी बंदगी करते हैं, ये जबान से है अमल से है या वो अंदर वाले इंसान से है, ये कौन सी वाली है। आया खुदा हमसे ये कह रहा है कि ये कहो खुदाया हम जबान से तेरी बंदगी करते हैं बस, ये चाहता है खुदा,
या नहीं। मसलन वो क्या है, ए खुदाया हम अमल से तेरी बंदगी करते हैं, दिल में कुछ भी करें, या नहीं। खुदा हमसे कह रहा है तुम अंदर से जब तक मेरे बंदे नहीं बनोगे ये बंदगी हुई नहीं है अभी। इस वजह से बंदे खुदा बहुत बड़ा लकब है, इस वजह से अब्द खुदा इतना बड़ा लकब है कि मिसाल के तौर पर आयतुल्लाह उज़्मा मरहूम बहजत की कब्र के ऊपर लिखा है अल अब्द, ये बंदा है। ये कौन सा बंदा है, ये जबान का बंदा है, अमल का बंदा है, नहीं अंदर से बंदा है। इसने अपनी उस आवाज को भी बंदा बना दिया। अब हमें और आपके साथ क्या मुश्किल आ रही है, तरबियत कहां पर है। अभी हम लोग फंसे में ऊपर कहने में कि बस बच्चे को यह समझा दें कहना क्या है, और बच्चे क्या अपने आप के लिए भी यही मुसीबत है। अभी हम लोग सिर्फ जाहिर पे बैठे हुए हैं और इसकी वजह से क्या हो रहा है, सुकून नहीं है दिलों को। अगर वो अंदर सही ना हो ना सुकून नहीं आएगा, सुकून नहीं आएगा। एक मिसाल अर्ज करता हूं, दुरूद भेजेगा मोहम्मद वाले मोहम्मद شب جمعہ ہے، پروردگار انشاءاللہ آپ کے اور ہمارے مرحومین کی اور ہماری اور آپ کی مغفرت فرمائے۔ ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر، صلی علی محمد و آل محمد و آل محمد۔ تھوڑا سا مختلف انداز میں ایک بات عرض کروں گا، یہ جو ہم لوگ اس دنیا سے جانے کے بعد محشر میں پہنچیں گے، برزخ میں پہنچیں گے، اور برزخ میں جائیں گے تو وہ جو ہمارا اندر والا انسان ہے وہ باہر آئے گا، وہ کہنے والا باہر آئے گا، کرنے والا باہر آئے گا، یا وہ جو چھپا ہوا ہے وہ باہر آئے گا، کون سا والا آئے گا؟ مثلا خدا تعالی نے فرمایا اذا حصل ما فی الصدور، وہ سامنے آ جائے گا جو سینوں میں چھپا ہوا ہے۔ تو یہ چھپا ہوا کوئی سادہ سی چیز ہے جو خدا کہہ رہا ہے چھپا ہوا ہے، یا نہیں یہ جو اگر خدا کہہ رہا ہے نا چھپا ہوا ہے، اس کا مطلب شاید ہمیں بھی نہ پتا ہو۔ ایک بچہ مجھ سے کہتا ہے نا میں نے کوئی چیز چھپائی ہے، تو میں سمجھ جاتا ہوں اتنی پیچیدہ جگہ پہ نہیں چھپائی ہوگی، بچہ ہے کتنا عقل لڑا لے گا۔ لیکن اگر کوئی بہت بڑا آدمی، سینئر، تجربہ کار، گھاگ آدمی مجھ سے کہے میں نے چھپائی ہے تم ڈھونڈو، تو میں سمجھ جاتا ہوں یہ آسان کام نہیں ہوگا۔ اب اگر خدا کہے کہ چھپی ہوئی چیز آشکار ہوگی، اس کا مطلب یہ کوئی ایسی چھپی ہوئی ہوگی جو میرے بس میں ذرا مشکل ہی ہوگی کہ میں اس کو نکال پاؤں۔ یہ وہ اندر والا ہے، یہ وہ اندر والا ہے جس کو خود میرے لیے پکڑنے میں بہت مشکل ہو جاتی ہے کہ میں اس تک پہنچ سکوں۔ کیوں؟ میرا نفس مجھے جنتی سے کم سمجھنے نہیں دیتا، میرا نفس تو مجھے ولی اللہ بنانا چاہتا ہے، میرا نفس تو مجھے کہتا ہے تم ولی اللہ ہو، دوسرے کیا ہیں تمہارے سامنے، تو وہ مجھے کیا دیکھنے دے گا کہ میرے اندر کیا بیٹھا ہوا ہے؟ نہیں، چھپا ہوا رہے گا۔ خدا کہہ رہا ہے وہ جو چھپا ہوا ہے میں آشکار کروں گا۔ تو عزیزان محترم، ہم لوگ اس چھپے ہوئے پر اگر کام نہ کر سکے تو ہم سختی میں پھنسنے والے ہیں، ہم بڑی مشکل میں پھنسنے والے ہیں۔ اب اتنی بات ہو گئی اس کے اوپر، اب ایک بس مرحلہ اور، آج اس سے زیادہ بات شاید نہیں ہو پائے گی۔ مجھے کہ بھائی یہ جو اندر بیٹھا ہے اور بالآخر پل میرے ہی اوپر رہا ہے، پل میرے ہی اوپر رہا ہے، اس کو طاقت کہاں سے ملتی ہے، اسٹرینتھ کہاں سے ملتی ہے اس کو؟ اسے میں نے تو نہیں پالا تھا، اسے جان بوجھ کے تو نہیں پالا تھا، لیکن پھر بھی پل رہا ہے یہ، یہ اس کو طاقت کہاں سے مل جاتی ہے، کھانا کہاں سے مل جاتا ہے، اس کو زندہ کیسے ہے یہ؟ تو میں عرض کروں گا یہ ہمارے جذبات پہ زندہ ہے۔ کیا مطلب؟ میں ایک جگہ سے گزرا، ایک آدمی مجھے نظر آیا، اس کو دیکھتے ہی میرے دل کے اندر نعوذ باللہ حسد کا جذبہ آیا۔ یہ جو میرے دل کے اندر حسد کا جذبہ آیا، یہ کس کے لیے خزا بنی ہے؟
उस अंदर वाले की, ये इस पे पल रहा है। अब मैं कहीं पे बैठा था, नाउज बिल्ला ताला, मेरे अंदर लालच आई, किसी ने तस्करा किया, मेरे पास इतना पैसा है, किसी ने कहा मेरे पास ये, अब मेरा दिल चाह रहा है काश मैं उधर से निकलवा के इधर ले आता। ये जो जज्बा है, किया कुछ नहीं है अभी, धोखा नहीं दिया है, लेकिन अंदर ये जज्बा गलत उभर रहा है। ये किसके लिए गजा बन रही है? ये उस अंदर वाले शैतान के लिए गजा बन रही है, ये मेरे जज्बात पे पल रहा है। अगर मुझे इसको फाका दे दे के मारना है तो मुझे क्या करना होगा? अपने जज्बात को सही करना होगा, अपने जज्बात को सही करना होगा। मिसाल अर्ज करता हूं आपकी खिदमत में, दुरूद भेजेगा मोहम्मद वाले मोहम्मद पर, एक बार फिर दुरूद भेजेगा मोहम्मद वाले मोहम्मद पर, एक बार फिर दुरूद भेजेगा मोहम्मद वाले मोहम्मद ना। इनकी बात सुनने में मशगूल हो गया कि मेरे जहन से निकल गया मैं बात क्या कर रहा था। एक बार फिर दुरूद भेजेगा मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु। मैंने अर्ज किया था कि भाई ये जो हमारे जज्बात होते हैं, ये गलत जज्बात ये उस इंसान को पाल रहे होते हैं। अब मुझे क्या करना होगा? मुझे अपने जज्बात को कंट्रोल करना होगा। क्या मतलब? जज्बात को इंसान कैसे कंट्रोल करे? भाई जबान को कंट्रोल करे, झूठ ना बोले। अमल को कंट्रोल करे, फजर की नमाज पढ़ ले। जज्बात को कैसे कंट्रोल करे? जज्बात को इंसान कंट्रोल करता है अपने सही अकीदे के जरिए से। जब उसका अकीदा सॉलिड होता है, सही होता है, मजबूत होता है, तो उसके जज्बात कंट्रोल में रहते हैं। मिसाल शहीद, शहीद अव्वल या शहीद सानी, भूल जाता हूं जहन में इन दोनों में से किसी एक का वाकया। दुश्मन की कैद में फंस गए, अगले दिनों में, शायद अगले दिन या एक दो दिनों में उनको जनाबे अली दर्दनाक अजियतें देकर शहीद होना था। अल्लाह से तवस्सुल करते हैं और खुदा ने मुताल से कहते हैं कि इन्नी मगलूबुन फंतसिर। कुरान करीम में चंद जुमले ऐसे हैं जो खुदा बयान करता है कि मेरे नबी ने कहा और मैंने नुसरत भेज दी। तो मसलन वो जो नमाज गुफैरा के अंदर आता है, वज़नून इज़्ज़ाहबा मुगादिबान, तो उन्होंने फरमाया ला इलाहा इल्ला अंता सुभानक इन्नी कुंतु मिनल ज़ालिमीन फस्तजबना लहू व नजैनाहु मिनल गम व कज़ालिका नुंजिल मोमिनीन। हमने उनकी बात भी सुनी, उन्हें गम से निजात दे दी, और इसी तरह हम मोमिनीन की मदद भी करते हैं। इसका मतलब है ये जुमला की पॉइंट है। इसी तरह एक की पॉइंट है इन्नी मसनी अज़ुर व अंता अरहमुर राहिमीन। ए खुदाया, मुझे जरर और नुकसान का सामना है, सख्ती का सामना है, और तू अरहमुर राहिमीन है। खुदा कहता है जब मेरे नबी ने यह कहा ना, मैंने नुसरत भेज दी। इसी तरह एक जगह पे फरमाया मेरे नबी ने कहा इन्नी मखलूबुन फंतसिर, ए खुदाया मुझ पर दुश्मनों ने गलबा कर लिया, मेरी नुसरत फरमा। तो खुदा उन्हें मुताल फरमाता है बस मैंने नुसरत भेज दी। वो शहीद या अव्वल या सानी दुश्मन के नरके में कैद खाने के अंदर अल्लाह से तवस्सुल किया, इन्नी मखलूबुन फंतसिर का वेद किया, मसलन एक कागज के ऊपर लिखा और सो गए। सो गए और उम्मीद इस पे थी कि भाई मैंने अल्लाह से कहा इन्नी मखलूबुन फंतसिर, और आय करीमा कहती है जब कोई ये कहता है एक खास दिल के साथ तो खुदा उसे पूरा कर देता है, अब खुदा मुझे पूरा कर देगा। जब उठे तो कागज के ऊपर ये लिखा हुआ था, उन्होंने फरमाया इन्नी मखलूबुन फंतसिर, अरबी में लिखा था इन कुंता अब्दी फस्तबिर, अगर मेरे बंदे हो तो सब्र कर लो। आय ने कहा था मैं मगलूब हूं तो मेरी नुसरत फरमा। अल्लाह ने लिख के भेजा कि अगर मेरे बंदे हो, बंदे हो, देखा बंदगी कितना बड़ा मकाम है।
बंदे हो का मतलब क्या है? अगर तुम्हारा दिल कूढ़े नहीं कि तुम्हारे साथ क्या हो रहा है, कूढ़ रहा है तो मैं तुम्हें बाहर निकालता हूं, लेकिन फिर वो मकाम नहीं मिलेगा जो हम तुम्हें देना चाह रहे थे। अगर हमारे बंदे हो, तुम्हारा दिल ना कूढ़े, शिकवा ना करो कि तुम्हारे साथ क्या हो रहा है, तो फिर बैठ जाओ, इस मुश्किल को झेल लो, हम तुम्हें ऐसा मकाम देंगे जो बंदों को देते हैं। शहीद ने पढ़ा, कहा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अब जो होना है हो जाए, क्यों, जिंदगी में बंदगी के सिवा और क्या चाहिए था। सबसे बड़ा लखब ही बंदा है। खुदा ने मुताल फरमाते हैं, सुभान अल्लज़ी असरा बि अब्दिहि लैलन, अपने बंदे को खुदा ने सैर करवाई सूरह इसरा के अंदर मेराज के लिए फरमाया। तो कहा अगर बंदा बंदा नसीब हो रहा है इससे कि मेरा जिस्म टुकड़े टुकड़े हो जाए, मेरे जिस्म को आग लगा दें, ठीक है, कोई मसला नहीं। अगर दिल में भी कोड़े होते ना तो फिर खुदा ये मौका नहीं देता। अगर हजरत मेसम तम्मार सूली पर जाके कोड़ रहे होते ना, नाउज बिल्लाह ताला, कि मैं क्यों सूली चढ़ रहा हूं, बाकी सब तो सही है, मैं क्यों सूली चढ़ू, तो फिर नहीं चढ़ना था, फिर मामला खत्म था। ये लोग इतने माहिर हुए, इन्होंने अपने दिलों को खुदा के सामने तस्लीम कर दिया। जब दिलों से तस्लीम हो गए, अब मामला खत्म हो गया, अब खुदा ने इनकी बंदगी को कबूल कर दिया, बंदों का मकाम दे दिया। मामूलन ऐसे लोगों की बरकत शहादतों के बाद जाहिर होती है, जिंदगियों में नहीं मिलता। ये लोग जो इस कसम के बंदे होते हैं, इनको दुनिया में शोहरत नहीं मिलती, जिंदगी के अंदर इनको दुनिया में शायद कोई पूछता भी नहीं है, सख्ती में मुसीबतों में जिंदगी गुजारते हैं, लेकिन इनकी बरकत जाहिर होती है बाद में। किसकी पैरवी में? जैसे अपने मौला की पैरवी में। जिंदगी में तो करबला होती है, लेकिन जब शहीद हो जाते हैं तो फिर करबला बनती है, फिर करबला बनती है। जिंदगी में जो कुछ झेलते हैं खामोशी से अल्लाह के सामने, रिजन बे कजाएक तस्लीमन ले अमरेक ला माबूदा सिवा, झेलते चले जाते हैं। फिर आखरत में मकाम नसीब होते हैं, दुनिया के अंदर भी मकाम नसीब होते हैं, लेकिन जाहिर में दुनिया को सामने जब थे उस वक्त नहीं हो रहा होता, उस वक्त इम्तिहान गुजारते हैं और खुशी खुशी इम्तिहान देते हैं, हम लोगों की तरह कोड़ कोड़ के नहीं देते। और वो मकाम फिर इसी रिजायत के ऊपर नसीब हो रहे होते हैं। ये देखिए जो जुमला सईद उश्शौदा ने आखिरी जुमले इरशाद फरमाए, वो क्या फरमाया, रिजन बे कजाए, खुदाए मैं राजी हूं, कौन कह रहा है कि मैं राजी हूं, कौन कह रहा है, ये अली अकबर का लाशा उठा के कह रहे हैं मैं राजी हूं। या अल्लाह, करबला में अगर बस इतना होता ना, एक अली अकबर जाते शहीद होते इमाम हुसैन की आंखों के सामने, ये भी बहुत था। सैयदुश्शहदा अली अकबर का लाशा उठा कर कह रहे हैं खुदाया मैं राजी हूं। आसान नहीं था ये सैयदुश्शहदा के लिए, सैयदुश्शहदा अल्लाह की बंदगी में थे इसलिए सब कुछ झेल लिया, वरना जरा सा आप तसव्वुर करना, अगर किसी का इतना जवान बेटा हो और वो जवान बेटा आए और बाप से कहे कि बाबा इजाजत दो मैं टुकड़े टुकड़े होने जाऊं, कैसा मकाम था ये। अगर पूरी करबला का जायजा लें और सैयदुश्शहदा के रद्द अमल को देखें, तो अजीजो ये जो रिवायात हैं ये बड़ी अजीब रिवायात हैं हमारे पास, कि जब हजरत अली अकबर जा रहे थे तो सैयदुश्शहदा ने फरमाया कि अकबर मेरी तरफ मुड़ के देखते रहना। ये क्या है, सैयदुश्शहदा बता रहे हैं तुम ये ना समझना मुझे अली अकबर से मोहब्बत नहीं है, मोहब्बत है, मैं अपने जिगर का टुकड़ा दे रहा हूं अल्लाह को, मोहब्बत तो बहुत है। कितनी मोहब्बत थी, इतनी मोहब्बत थी कि जब जाने लगे तो खुदा के सामने हाथ उठाकर कहा खुदा तू जानता है मैं किसको भेज रहा हूं तेरे सामने। ये
ये मेरे जिगर का टुकड़ा है, आज इधर शब जुम्मा है, चूँकि बरकतों की शब है, रहमतों की शब है और मसाइब के अय्याम हैं, लिहाजा दो जुमले ज़्यादा अर्ज़ करूँगा मसाइब के। बस उस लम्हे को सोचना जब बीबियाँ अली अकबर को अलविदा कह रही थी। जब भी कोई मुजाहिद तैयार होता था तो वो अलविदा कहने बीवियों के खेमे पे जाता था तो बीवियाँ उसे अलविदा कहती थी। रावी बयान करते हैं, उलमा इस रिवायत को पढ़ते हैं, कहते हैं जब अली अकबर अलविदा करने गए तो ऐसा मातम हुआ जैसे किसी का जनाजा उठने वाला हो। बड़ी नफीस बड़े नफीस बयानात अल्लामा ज़ीशान हैदर जवादी साहब मसाइब के अंदर बयान फरमाते थे। अल्लाह मकाम शरीफ एक मौके के ऊपर इतना नफीस बयान इरशाद फरमाया, अहले बैत के शागिर्द कहते हैं जब अली अकबर आखिरी दफ़ा खेमे से निकले तो किसी ने अली अकबर की अबा का दामन पकड़ा। ज़ीशान हैदर जवादी साहब कहते हैं शायद ये कोई बच्ची होगी जिसने अली अकबर को बुलाया होगा। मौला अली अकबर तशरीफ़ फरमा हुए, दुश्मन से लड़ने के लिए गए। बस वो मशहूर रिवायत आपकी खिदमत में अर्ज़ करना चाहूँगा, बस एक मौका था जब अली अकबर दुश्मन से लड़ते लड़ते सैयदुश्शुहदा के पास वापस आए और कहा बाबा अगर एक घूंट पानी का मिल जाता तब मैं इन दुश्मनों को जंग जिगाता। अगर एक हर्रार का पोता अगर एक घूंट पानी मिल जाता। अभी तो अब जरा इमाम के कल्ब मुबारक में देखना, ये हौज़े कौसर का मालिक है, अली अकबर जैसा बेटा एक घूंट पानी मांग रहा है। एक वो अली असगर था जिसको एक घूंट पानी पिलाने के लिए हुसैन लेकर गए थे, एक ये अली अकबर है जो अपने बाप से एक घूंट पानी मांगने आया। बस दोबारा कहा बेटा वापस जाओ, तुम्हें मौला अली मुर्तजा पानी पिलाएंगे, तुम्हें फातिमा जहरा पानी पिलाएंगी, तुम्हें मोहम्मद रसूल अल्लाह पानी पिलाएंगे। बस एक मौका आया, अली अकबर दुश्मनों की तरफ वापस आए, जमीन पर गिरे, अस्सलाम अलैका ऐ मेरे बाबा, आखिरी सलाम आपको। अजीब कौल है अजीज़ो, आप में से कुछ लोग माशाअल्लाह सैयदुश्शुहदा की मोहब्बत से इतना लबरेज हैं अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, उनके लिए जुमला अर्ज करूँ तो सैयदुश्शुहदा ने कहा, बयान करते हैं उलमा पढ़ा करते हैं, कहा बेटा आवाज़ तो बाप को दिखाई नहीं दे रहा। बेटा आवाज तो दिखाई नहीं देता। अब सैयदुश्शुहदा अली अकबर के लाजे के ऊपर पहुंच गए हैं, अब ये मंजर है, खुदा जानता है अगर बूढ़ा बाप जवान के लाजे पर पहुंच जाता है ना तो रिश्तेदार बाप को अलहदा कर देते हैं कि कहीं सदमे से दिल फट ना जाए, अब कोई नहीं है लाजा उठाने वाला। और इमाम हुसैन ने लाजा उठाना है, गोया बीवी ज़ैनब खेमे तक आई और कहा भैया इजाजत दो मैं आऊं लाजा उठाऊं। इमामत की मुहाफिज़ाएं इनको पता है सैयदुश्शुहदा के दिल में क्या गुजर रही होगी। अल्लामा ज़ीशान हैदर जवादी ने यहाँ पर एक शेर पढ़ा है, जब मेरा खुद का दिल चलने लगता है इमाम हुसैन के मसाइब पर तो ये शेर बयान करता हूँ, मेरा दिल चाहता है। अल्लामा ने पढ़ा, बीवी ने फरमाया शबे जुम्मा है लेकिन मसाइब की खातिर का लाशा है बराबर का भैया से ना उठेगा। जवान का लाशा बाप के बराबर का हो गया, अब बाप कैसे उठाए, लाशा है बराबर का भैया से ना उठेगा, मैं पालने वाली हूँ गोदी में उठा। बात हमें उससे